हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भैया, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम खुश पाश फिट फाट। तो भाई, आज आपका भाई आ गया आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज आपका भैया आप लोग के लिए एक्वास R3 लेकर। ये है एक्वास R3 और ये है सोनी XZ3। भाई काफ़ी डिमांड, मतलब मैं कहता हूँ मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस यही थी कि भाई सोनी XZ3 वर्सेस एक्वास R3 एक बार किया जाए, क्योंकि दोनों में 3-3 आ रहा है और यही डिमांड थी कि भाई एक बार ट्राई करो दोनों में से कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, और इन दोनों मोबाइलों की प्राइस में थोड़ा बहुत डिफर है। और आप लोग को ये दोनों मोबाइल मिल जाएंगे, नीचे हमने व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है और स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, इन पे कांटेक्ट करके आपको ये दोनों मोबाइल मिल जाएंगे। पहले फिलहाल आप लोग वीडियो का पूरा देखो, वीडियो का एंजॉय करो, जो मोबाइल आपको पसंद है वो मोबाइल फिर आप ले लेना। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने भाई से कोई बात वगैरह करनी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आ जाना, भाई आपसे रिप्लाई वगैरह करेगा। और अगर कोई भी मोबाइल का रिव्यू चाहिए हो, कोई भी मोबाइल का कंपैरिजन चाहिए हो इन मोबाइलों से या इन मोबाइलों के अलावा, तो वो भी नीचे कमेंट में बता देना, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। तो चलो भाई, चलते हैं दोबारा वीडियो की तरफ, खोलते हैं दोनों मोबाइल का चेक करते हैं। भाई मैं सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग दिखा दूँ दोनों मोबाइलों की, स्पेस वगैरह कितनी है। ये है एक्वास R3, आप ये देखो भाई, ये है 128 6 128 6 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी है। और एंड्रॉयड 10 तक ये अपडेट है, देख लो भाई एंड्रॉयड 10 तक इसे अपडेट है, ठीक है। अब चेक करते हैं सोनी XZ3 का कि वो कहाँ तक अपडेट है एंड उसकी स्पेस वगैरह क्या है। देख लो भाई, सोनी XZ3 की स्पेस है 4.64। और उसके अलावा इसका एंड्रॉयड वर्जन चेक करते हैं, ये भी भाई एंड्रॉयड 10 तक है, देख लो एंड्रॉयड 10 तक ये भी अपडेट है। तो उसके अलावा भाई, अगर किसी भाई को इन दोनों मोबाइलों का रिव्यू देखना हो या कोई भाई को नहीं पता, तो भाई नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके रिव्यू के भी लिंक डाल दिए हैं, इनकी बैटरी ड्रेन के भी लिंक मैंने डाल दिए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। बैटरी ड्रेन दोनों मोबाइलों की, किस मोबाइल की ज़्यादा बैटरी चलती है पबजी पे, वो भी मैंने डाल दी है। और उसके अलावा इनके अलग अलग से रिव्यू भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाना, आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, सुकून सुकून से हर एक लिंक को इन्जॉय करना। चलो भाई, बिना टाइम से क्रिकेट पबजी को स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ हम दो दो बार करेंगे, 1 2 3। भाई दोनों पे एक्सेप्ट क्लिक होगा, ठीक है। नीचे वाला है सोनी XZ3, ऊपर वाला है एक्वास R3। सोनी एक्वास R3 पे पन्नी लगी आप लोग याद रखना, और सोनी XZ3 पे कोई पन्नी वगैरह नहीं लगी, दोनों पे सेम इंटरनेट कनेक्ट है हमारा। भाई एक्वास R3 गेम लोड कर चुका है, ठीक है, सोनी XZ3 ने अभी तक गेम लोड नहीं की। एक्वास R3 थोड़ा महंगा भी है सोनी XZ3 से, मैं आपको ये भी बता दूँ, बाकी आपको रेट वगैरह व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। एक्वास सोनी XZ3 में भाई फाइनली इसने भी लोड कर ही ली, सोनी XZ3 के सस्ते नशे ख़त्म हो गए और इसने लोड कर ली। एक बार मैं अगेन चेक करता हूँ दोनों का इंटरनेट सेम है कि नहीं, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। एक्वास R3 में कनेक्ट है दोनों में, भाई देखो फिजिक्स 1 2 3 कनेक्ट है, ठीक है, दोनों में सेम कनेक्ट है। तो चलो भाई दोबारा गेम की तरफ चलते हैं, काफ़ी लोग बोलेंगे भाई नहीं उसमें इंटरनेट चेंज थी, तो भाई देख लो मैंने आप लोग को साफ साफ क्लियर दिखा दिया अगेन एक बार। और अब मैं दोनों का आप लोग ग्राफिक्स वगैरह दिखा दूंगा एक बार, बाकी इनका रिव्यू तो कंप्लीट अपलोड है, तो आप लोग देख लेना वहाँ से हर एक चीज़ अलग अलग से। हमारा मेन मकसद है गेम को लोड करना और फायर वगैरह सब कुछ देखना। ग्राफिक्स देख लो भाई एक्सट्रीम तक सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्वास R3 HDR तक भी एक्सट्रीम तक सपोर्ट कर रहा है। सोनी XZ3 चेक करते हैं, सोनी XZ3 भाई स्मूथ पे एक्सट्रीम, बाकी सब पे अल्ट्रा सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्वास R3 ज़्यादा अच्छा है। एक बार अगेन हम लोग गेम लोड करेंगे, लेट्स सी, कभी कभी होता है कि एक बार से पता नहीं चलता दोनों मोबाइलों की, हम गेम दोबारा लोड करेंगे दोनों मोबाइलों में। चलो भाई दोनों मोबाइल फिर सामने आ गए, 1 2 3। अगेन दोनों पर भाई एक साथ क्लिक हुआ, ठीक है, तो ऊपर वाला एक्वास R3 जिससे पन्नी लगी, नीचे वाला सोनी XZ3 है जो बिना पन्नी के हैं। सबके सब भाई वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, जब तक गेम लोड हो रही है आप लोगों ने भाई के 1000 लाइक वीडियो पूरे करने हैं। एक्वास R3 अगेन भाई जीत चुका है और उसने पबजी अगेन लोड कर ली है, और सोनी XZ3 सस्ते नशे कर रहे हैं।
तो एक बात तो कंफर्म हो गई, एक्वास R3 गेम लोड करने में फास्ट है। अब चेक करेंगे बुलेट वगैरह किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, रजिस्टर पहले जिसकी किसकी होती है, वो भी मैं दो दो बार ही करूँगा। चलो भाई, हाँ चलो भाई, रूम मैंने बना दिया, ठीक है मैं अब इन्वाइट करता हूँ और गेम करेंगे स्टार्ट। हर एक चीज़ दो दो बार करेंगे, बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, फिर लोग मुंह बनाते कि भाई आप लोग जानबूझ के टाइम ज़ाया करते हो। टाइम ज़ाया नहीं करते भाई, मजबूरी में हो जाता है। कर दी भाई स्टार्ट, देखते हैं गेम पहले कौन लोड करता है, मतलब मैच पहले कौन लोड करता है। ऊपर वाला है एक्वास R3, नीचे वाला है सोनी X3। फर्स्ट स्पीड टेस्ट तो भाई एक्वास R3 जीत चुका है। चलो भाई कर दो लोड भाई। एक्वास R3 थोड़ा सा पहले लोड किया सोनी X3 से, बट एक्वास R3 ने पहले लोड किया है। तो चलो भाई दोनों पे मैं M4 सेलेक्ट करता हूँ। M4 सेलेक्ट कर भाई, दोनों पे M4 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है मैं भाई। दोनों को हमने सिक्योर कर दिया, देख लो दोनों का क्रॉस हेयर बिल्कुल हेड पर खोला हुआ है, इसका भी क्रॉस हेयर बिल्कुल हेड पर है। एक साथ करेंगे, दो बार ट्राई करेंगे, 1 2 3। सब दबा के रखने तो बता, सिंगल पे की हुई है यार। 1 2 3 भाई, ऊपर वाला R3 ये देख लो पन्नी उस पर लगी हुई, ठीक है। फर्स्ट टाइम R3 जीत चुका है, तो हम लोग R3 का हेलमेट वेस्ट चेंज करेंगे जल्दी से। अगेन भाई सेकंड टाइम में आ चुका, ठीक है। दोनों का मैंने ADS हेड पे खोल दिया, ठीक है। 1 2 3 अगेन, एक्वास R3 का डैमेज ज़्यादा है, देख लो एक्वास R3 का डैमेज ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब मैं ट्राई करूँगा स्नाइपर जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चीज़ों की तरह। देख लो दोनों का मैं हेलमेट वेस्ट चेंज कर रहा हूँ। भाई अब मैं जादू से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। दोनों के हाथों में M4 आ गई, सोना पे एम आ गया है बिल्कुल हेड पर, दोनों की पिंग भी ग्रीन ग्रीन आ रही है। तो चलो 1 2 3 भाई, इसमें रिकॉर्ड हुआ है सोनी X3 का डैमेज। आई थिंक मैं भी हाथ पे लग गया हूँ, बट अगेन ट्राई करेंगे। हेलमेट वेस्ट बिल्कुल सेम है, फ्रेश है। अगेन भाई सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम X3 जीत चुका था बट आई थिंक कुछ इशू आया था। अगेन ट्राई करेंगे, 1 2 3 भाई हेड पर एम। देखो इस बार R3 जीत चुका है, तो दो बार 1v1 हो गया। तो हम अगेन ट्राई करेंगे लास्ट टाइम, बस ये लास्ट ट्राई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। देख लो भाई ये लास्ट ट्राई है, ठीक है। M24 का एक बार वो जीता, एक बार वो जीता, बट मुझे लगा था शायद हमने गलती से X3 का हाथ पहले प्रेस कर दिया था। तो चलो लास्ट टाइम ट्राई है, 1 2 3 भाई अगेन R3 का डैमेज ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड टेस्ट में, बुलेट के रजिस्ट्रेशन में, AR में और स्नैपर में, दोनों में, तीनों में R3 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इनकी प्राइस में भी डिफर है। तो वो चीज़ें आप लोग को जब WhatsApp पे होगा आप लोग को पता चल जाएंगी। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।